बेसिकली ये $2.4 बिलियन की सेल है और तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलर इंडियन नेवी को मिलेंगे। लेकिन अमेरिका इंडिया को तो मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर टर्की से भी कुछ लेना चाह रहा है तो उनके ऊपर सैंक्शन है कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकता। यूके का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो कि इंडियन ओशन में आया है, जो इंडिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स करेगा और इंडियन नेवी के साथ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अमेरिकन जो नेवी है उन्होंने MH-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिया को दिए हैं, और इसका मकसद है रीजनल जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करना। बेसिकली ये $2.4 बिलियन की सेल है और तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलर इंडियन नेवी को मिलेंगे, लेकिन शायद ये बाद में कोई आर्म फोर्सेस को भी जो है वो बाकियों को भी शायद मिल सकेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान बिजी है, अफगानिस्तान के थ्रेट को देख रहा है, हमारे वायलेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, लॉलेसनेस अफगानिस्तान में बढ़ रही है और हमें हम इंगेज हैं, बलूचिस्तान हो, केपी हो, के खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारे यहाँ पे मामलात जो हैं वो उलझ रहे हैं, चाइना ने हमें नाराज हुआ है बिकॉज ऑफ ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं और जो जिस तरह दो अटैक्स चाइनीज पे रिसेंटली हुए हैं, जो क्वेटा में हुआ और जो ये दासू में हुआ, दिस इज प्राइमरली पाकिस्तान की कैपेबिलिटी तो है लेकिन एक इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन कमिंग टू दिस टॉपिक, ये जो नेवी के को दिए गए हैं या नेवी के लिए ये जो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं, बेसिकली ये इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सो ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो रीजनल थ्रेट्स के लिए हैं। सो इट मीन्स कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दिस इज फॉर पाकिस्तान एज वेल। अब किस हद तक ये पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं या क्या इसका मकसद हो सकता है, दैट इज अनदर स्टोरी, इसको बाद में देख सकते हैं। लेकिन याद रखें व्यूअर्स के जो अमेरिका है उसने टर्की को मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को जो हेलीकॉप्टर्स दे रहा है वो नहीं देगा। पाकिस्तान ने कहा था कि एक अटैक T-129, एक ट्विन इंजन टेंडम सीट मल्टी रोल, इसको ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, इसको पाकिस्तान को देना था, लेकिन क्योंकि इसका जो इंजन है वो अमेरिकन है तो वो पाकिस्तान नहीं ले सकता क्योंकि टर्की के ऊपर सैंक्शन थी। और ये तकरीबन पाकिस्तान $1.5 बिलियन की डील था। अब अमेरिका इंडिया को तो मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर टर्की से भी कुछ लेना चाह रहा है तो उनके ऊपर सैंक्शन है कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकता। सो इट मीन्स कि वी आर रियली ऑन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन व्हेन इट कम्स टू फॉर द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम वेस्ट। सो क्या इसका मतलब ये पाकिस्तान समझे कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है, कि पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइनीज ही ऑप्शन रह गए हैं? दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सी दैट। अब इंडिया और अमेरिका की जो बायलैटरल डिफेंस जो डील है या जो डिफेंस ट्रेड है वो तकरीबन $20 बिलियन तक पहुंच गई है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। और ये सैन डियागो में मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने जो ये हेलीकॉप्टर्स जो है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू साहब, संधू जाट्टी होते हैं वैसे तो, इन्होंने संधू साहब ने जो है वहां से लिए हैं और इनको हैंडओवर किए गए हैं। तो ऑब्वियसली इंडियंस जो नेवी के लोग हैं वो भी वहां मौजूद हैं, कोई उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है और ट्रेनिंग ले रहे हैं US में इसको डील करने के और सारा वो करने के। अब ये है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो मजीद स्ट्रांग होगी क्योंकि इंडिया के पास ये जो एक ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो ये और तरह के मिशंस में जैसे रेस्क्यू, सर्च और कम्युनिकेशन रिले वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इंडिया की कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और ये जो बात की जाती है कि रीजनल थ्रेट्स, अब रीजनल थ्रेट्स क्या है इंडिया के अगर देखा जाए,
प्राइमरली इंडिया कहा जाता है जी, टू फ्रंट वॉर की बात होती है, चाइना है, पाकिस्तान है, नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो उनकी वैसे ही उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर कोई अगर नॉन स्टेट एक्टर इंडिया पे हमला भी करता है कि उनके खिलाफ इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाएं, और वो भी MH-60 मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। सो इट इज इंडिया एंड चाइना एंड अबव ऑल इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, और इंडिया को इंडो पैसिफिक में वो जो अमेरिका रोल देना चाह रहा है, पर्टिकुलरली जब क्वाड की बात होती है, एशियन नेटो की बात होती है, तो बेसिकली सारा मिलिट्री हार्डवेयर ये जो डेवलपमेंट है ये उसके लिए है। अच्छा, अब आके आप देखें कि इसके साथ साथ दिस इज नॉट जस्ट द वन थिंग लुक कि हम कहां पे एंगेज हैं एंड वेयर इंडिया इज गोइंग। यूके का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो कि इंडियन ओशन में आया है, जो इंडिया के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करेगा और इंडियन नेवी के साथ। और आप ये देख लें कि ये मेरा ख्याल है 26 जुलाई से ये 26 जुलाई से ये होनी है ड्रिल्स। सो आप देख लें कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स हैं कि इंडिया के जो पार्टनर्स हैं दे आर ऑल वेस्टर्न कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद चाइना। और ये जितने भी इंडियन, अगर इंडियन नेवी का यूके नेवी यूनाइटेड किंगडम की नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, या अमेरिकन नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, या मालाबार एक्सरसाइजेस हुई थी, तो इट मींस इट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द इंडियन नेवी कि वो अपनी चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा व्यूअर्स के, हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें कॉर्नर कर दिया गया है, हमें कॉर्नर किया गया है कि आप सिर्फ चाइना के साथ रहें, या तो पाकिस्तान कंप्रोमाइज करे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, या आप जो चाइना के साथ ताल्लुकात है उन पे कॉम्प्रोमाइज करें, या फिर ये है कि आप चाइना को स्नब करें और आप जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ज्वाइन करें। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों ब्लॉक्स को रखना चाह रहा है, पाकिस्तान ना चीनियों को छोड़ना चाहता है ना अमेरिकन को छोड़ना चाहता है। पाकिस्तान का लगता है बहुत गंदा समय चल रहा है, तभी तो एक के बाद एक नई गंदी खबरें पाकिस्तान को मिल रही है। अब अमेरिका ने भारत को $2.5 बिलियन का MH-60 नाम का रोमियो हेलीकॉप्टर दिया है जो इंडियन नेवी के काम आएगा, जो थोड़े बहुत शायद आर्मी को भी मिल सकते हैं। ये इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका इतने सालों से यूज़ कर रहा है और इसकी युद्ध क्षमता पूरी दुनिया देख चुकी है, काफ़ी युद्धों में ये भाग ले चुका है और बहुत अच्छा कार्य करके दिया है इसने, इसी वजह से पूरी दुनिया में इसका नाम है। इसके आने से पाकिस्तान और चाइना के पसीने निकलने चालू हो चुके हैं और कमर चीमा भी डरा हुआ है और ये कह रहा है कि इस खित्ते का बैलेंस बिगाड़ देगा ये हथियार। इससे पता चलता है इस हथियार की क्षमता कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से कमर चीमा को भी टेंशन हो चुकी है। कहते हैं हम लड़ाइयों में उलझे पड़े और भारत अमेरिका के साथ मिलकर इतनी बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं, और आगे जाके देखिए फ्रेंड भारत को और क्या हथियार मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।